पीतल नगरी के नाम से मशहूर हमारा ये शहर मुरादाबाद, जहां शिक्षा के क्षेत्र में जाना और पहचाना जा रहा है, तो वहीं अब अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाने लगा है। मुरादाबाद को साफ और स्वच्छ रखने के लिए जहां नगर निगम व्यवस्थाएं करने की बात कर रहा है, तो वहीं मुरादाबाद के विकास को परवान चढ़ाने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की खूबसूरत पहल इको हर्बल पार्क यूं तो मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का हिस्सा है, तो वहीं मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा आशियाना के अम्बेडकर पार्क को मॉडल पार्क बनाने की पहल की जा चुकी है। अगर हम बात मुरादाबाद के एंट्री द्वार की करें, तो दिल्ली NCR से आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 0 पॉइंट पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक एंट्री गेट बनाया जा रहा है, जो मुरादाबाद की शान है, जिसमें 4 चांद लगाने का काम करेगा। लगभग ये 1 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है। ये एंट्री द्वार मुरादाबाद के पीतल कारोबार को परवान चढ़ाने का काम करेगा। वहीं इस मुख्य द्वार से लेकर गागन के पुल तक सड़क के दोनों तरफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा खूबसूरत कॉरिडोर बनाने की पहल की जाने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी का कहना है, जिसका डेमो भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जा रहे मुख्य द्वार के पास प्रस्तुत किया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जा रहे इस मुख्य द्वार का उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा भ्रमण किया गया। इस मुख्य द्वार को देखकर उनके द्वारा खुशी जाहिर की गई। रविवार की देर रात मुख्य द्वार पर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव और उनकी पूरी टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त मुरादाबाद, जिलाधिकारी मुरादाबाद, मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद, नगर आयुक्त मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, महापौर विनोद अग्रवाल, चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी अमित कादियान, संपत्ति अधिकारी RRP सिंह, सागर गुप्ता, एकता सिंह, JN जंगूड़ी, इलियास खान, संजय कुमार सत्संगी आदि मौजूद रहे। इस दौरान सभी के द्वारा मुख्य द्वार पर लगे डिस्प्ले बोर्ड को भी देखा गया। मुख्य द्वार के मॉडल के साथ साथ मुख्य द्वार से लेकर गागन नदी तक बनाए जाने वाले कॉरिडोर की तारीफ की गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना था कि बहुत जल्द ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की जनता को ये सौगात देने जा रहा है। फिलहाल उनका पूरा फोकस मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर है। मुरादाबाद की जनता के लिए वो तमाम काम किए जा रहे हैं, जिसकी जरूरत मुरादाबाद की जनता को है। मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क को मॉडल बनाने के साथ साथ आशियाना के अम्बेडकर पार्क को खूबसूरत बनाया जा रहा है। पार्क बाड़ा के नजदीक मोड़ा तेहिया झील को मॉडल झील बनाने की पहल की जा रही है। मुख्य द्वार बन जाने के साथ साथ मुख्य द्वार से लेकर गागन नदी तक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जहां पर लोगों के बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां, तरह तरह के पेड़ पौधे और पैदल चलने वालों के लिए सड़क के दोनों तरफ मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की इस पहल को लेकर मुरादाबाद की जनता में खुशी है, क्योंकि मुरादाबाद के एंट्री पॉइंट से लेकर सिटी के अंदर जाने तक खूबसूरती का पैगाम दिया जाएगा, फिर वहीं हमारे मुरादाबाद के लिए अनमोल तोहफा होगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि ये सब प्राधिकरण उपाध्यक्ष की कार्यशैली और दूरदर्शिता का नतीजा है, जो पूरी टीम द्वारा एकजुट होकर मुरादाबाद के विकास में सभी के द्वारा अपनी भागीदारी तय की जा रही है। मुरादाबाद के मुख्य द्वार पर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा खुशी का इजहार किया गया, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार की प्रशंसा की गई। रविवार की देर शाम मुख्य द्वार पर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने डिस्प्ले बोर्ड पर लगे प्राधिकरण के प्रत्येक डेमो को देखा और कहा कि अगर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की जनता के लिए इतना सोचता है, तो हम सभी के लिए खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से प्रदेश में विकास का खाका तैयार करने का काम कर रही है और धरातल पर विकास को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है, उसमें अधिकारियों के साथ साथ जनता की भी सहभागिता है। सरकार का काम जनता को अच्छी योजनाएं देना है, ताकि हमारा आने वाला कल ठीक हो। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक का भविष्य उज्जवल हो, सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार को, अच्छी शिक्षा हो, सभी हमारा शहर सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले, सभी का भविष्य बेहतर हो, परिवार को अच्छी शिक्षा मिले, हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा गांव खुशहाल होगा। इसलिए सभी लोग ईमानदारी के साथ अपनी सहभागिता दिखाएं, प्रदेश को, देश को बुलंदी तक ले जाने के लिए ईमानदारी के साथ काम करें।